हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में। दोस्तों, एक बार फिर से लेटेस्ट वैकेंसी आपके लिए हम लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी होने वाली है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देंगे दोस्तों, तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो की अपडेट मिलती रहे आपको, और जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें आप। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ को, तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें, ताकि दोस्तों सभी नोटिफिकेशन की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों, हमारे एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मेडी स्टडी IQ। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ देख सकते हैं आप, इम्पोर्टेंट वीडियोस मेडिसिन से रिलेटेड आपको हम डालते हैं। यहाँ इमरजेंसी ड्रग से रिलेटेड वीडियो डाला गया है, दवा यानी कि जो मेडिसिन से, उनमें IP, BP और USB का क्या मतलब होता है यहाँ पर लिखा गया है। IV कैनुला का पूरा डिटेल में वीडियो बनाया गया है दोस्तों, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, आज की जो वैकेंसी होने वाली है वो होने वाली है ऑफिस ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड वेलिंगटन कैंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। जॉब लोकेशन आपकी तमिलनाडु होने वाली है। नोटिफिकेशन 17 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया है। एप्लीकेशन आपके इनवाइट किए गए हैं थ्रू ईमेल अप टू 19 सेप्टेम्बर, तो 19 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। केवल आपको ईमेल करना होगा। यहाँ पर LDC की पोस्ट होने वाली है, सफाई वाला की पोस्ट है यहाँ पर, जिसकी भी सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी दी गई है। मेल नर्सिंग असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर सैलरी 15,700 से 50,000 आप यहाँ देख सकते हैं। लेवल फर्स्ट रहने वाला है, पोस्ट एक रहने वाली है, वो भी मात्र जनरल कैटेगरी के लिए है। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि GNM वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी यहाँ पर होने वाली है, यानी कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको जानना हो, पूछना हो, तो आप यहाँ पर वेबसाइट दे रखी है, इस एडवर्टाइजमेंट पे जाकर देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जल्दी से जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस यहाँ पर रहने वाली है, यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस भी इसे बोल सकते हैं, 150 रुपीज़ आपकी जो है फ़ीस रहने वाली है, जो कि आपको ऑनलाइन पे करनी होगी। अकाउंट डिटेल यहाँ पर दी गई है, इस अकाउंट डिटेल के अनुसार आपको जो है पे करनी होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपका अकाउंट होने वाला है। एप्लीकेंट्स कैन अवेल एग्जिबिशन फॉर्म ए पेइंग एग्जामिनेशन फ़ीस एज पर द कंसेक्शन नोटेड बिलो। तो यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट यानी कि SC और ST वाले कैंडिडेट हैं, और जो डिजिबल हैं और ट्रांसजेंडर हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं रहने वाली है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन 17 अगस्त को नोटिफिकेशन निकाला गया है। लास्ट डेट इसकी 19 सितंबर रहने वाली है, जो कि शाम 5 बजे तक आप मेल कर देते हैं तो आपका वो माना जाएगा, उसके बाद वह नहीं माना जाएगा। एज की बात करें तो यहाँ पर OBC के लिए 21 से 33 साल और जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 21 से 30 साल दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो डिजिबल कैंडिडेट है उनके लिए 43 इयर्स OBC के लिए और 40 इयर्स जनरल के लिए है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स यदि हैं तो उनके लिए इस पर रूल्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें कि आपको TADA नहीं मिलने वाला है, स्किल टेस्ट भी आपका हो सकता है। यहाँ पर पोस्ट के लिए आपको जो है क्या होने वाला है, मेल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट दोनों यहाँ पर
होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे बात करें तो सिलेबस की, तो सिलेबस यहाँ पर आपका हम स्टाफ नर्स का सिलेबस भी देख लेते हैं साथ में। तो स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर टोटल करंट इवेंट्स और जनरल नॉलेज यहाँ पर आने वाली है, साथ में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बेसिक नॉलेज यहाँ पर पूछी जाएगी। यदि आप पहले से किसी संस्था में काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आना होगा। अप्लाई के लिए आपको एप्लीकेशन रिक्वेस्ट विजिट का यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर ये दिया गया है ऑफिशियल साइट। एप्लीकेंट्स टेम्पलेट इन एक्सेल फॉर्मेट में जो है आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म है उसको बना लेना है। इसके बाद आपको जो है डेस्कटॉप लैपटॉप मोबाइल फ़ोन किसी से भी आप जो है फुलफिल कर उसको मेल करना होगा। यहाँ पर आपको आपका फ़ोटो सिग्नेचर भी साथ में डालना होगा। यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का डिटेल डालना होगा मेल करते वक्त। और दोस्तों जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं सब्जेक्ट में आपको वो लिखना कंपलसरी है। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में इसके अटैच करने होंगे आपको। अदर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर दिया गया है डियर एडमिशन टू ऑल स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए यहाँ पर स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट होने वाला है। लास्ट डेट हमने आपको बताई दी है, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आपका पहुँच जाना चाहिए यह हमने आपको बताई दिया है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी हमने आपको इस वीडियो में शेयर करी है। दोस्तों हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर 2.7 के सब्सक्राइबर हैं। और दोस्तों यहाँ पर यदि आपको इनकेस यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होता है तो सभी वीडियो की अपडेट हम इस चैनल पर डालते हैं। इसके साथ ही दोस्तों सभी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी लेटेस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं जिपमर से नोटिफिकेशन आया है जो कि हमने डाल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन हम डालते हैं, साथ में कभी कभी क्यूज के क्वेश्चन भी डालते रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।